स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी फिल्म जिसका नाम है स्वीट 16। फिल्म की शुरुआत में हम वैंग से मिलते हैं जिसे एक मर्डर के बारे में पूछताछ की जा रही होती है और यहीं से स्टोरी उसके पास्ट में चली जाती है। वैंग का एक फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम टीएन था और उसके फादर उसको ट्रेनिंग दिया करते थे। टीएन के फादर यंग को उसके ऊपर बैठा देते थे और पुशअप करवाते थे और टीएन बड़ा हो गया ऐसी देखते देखते। स्कूल भी ये साइकिल से जाता था और वैंग उसके साथ बस में। इनका रिलेशन जो था वो फ्रेंड से कहीं ज्यादा था क्योंकि टीएन के साथ कोई भी लड़की बात करती थी तो वैंग को जलन होने लग जाती थी। और एक दिन एक लड़की उसको अपना लव कन्फेस करती है बट टीएन मना कर देता है और तभी टीचर आ जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। टीचर का ध्यान खींचने के लिए वैंग फ्रेंड की एक बुक गिरा देती है और बुक में कुछ गंदी फोटोज होती हैं जिसे देख टीचर अब उस बुक वाले लड़के पर आ जाते हैं और उसकी रिमांड लगाते हैं। घर आकर वैंग के फादर बताते हैं कि तुम्हें एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाने का ऑफर आया है, पढ़ा दो, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी मिल जाया करेगी। जिस लड़के को पढ़ाना है उसका नाम मू होता है और ये वैंग के फादर का फ्रेंड का बेटा होता है। मू के फादर ने सुसाइड कर लिया था जब ये 4 साल का था और उसके कुछ दिन बाद मू की मोम ने भी जान दे दिया था। अब ये सब देखने के बाद मू डिप्रेशन में चला गया और किसी से बात नहीं करता है। वैंग इसे मिलने के लिए आती है और मू अपनी गन फिक्स कर रहा होता है। वैंग इसकी गन ले लेती है और गुस्से में मू इसका हाथ काट लेता है। पर वैंग अगले दिन फिर से इसके पास आती है और कुछ दिनों में मू के साथ इसके रिश्ते नॉर्मल हो जाते हैं। एक दिन वैंग इसे लेकर टियान से मिलने के लिए जाती है और अब मू को गन पसंद है तो यहाँ पर शूटिंग एरिया होता है तो कुछ प्रैक्टिस भी करता है ये, जो कि काफी अच्छी कर लेता है। तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं और टीएन को मारने लग जाते हैं क्योंकि इनमें से एक मेंबर को टीएन ने बहुत मारा था। टीएन वैंग को लेकर इसे भागने लगता है पर आखिर में पकड़ा जाता है। तभी मू गन लेकर आता है और गुंडों को डराने की कोशिश करता है बट ये पहले इस पर हंसते हैं। पर मू ट्रिक करके यहाँ से कैसे भी लेकर इनको भाग जाता है और अगले दिन तीनों और क्लोज आ जाते हैं, घूमते फिरते मस्ती करते हैं। और अगले दिन पढ़ते हुए जब वैंग नहा कर आती है तो मू उसको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है, जैसे वो उसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो इसी उम्र में। और वैंग ये देखती है तो उसको पता तो नहीं चलता बट इसको डांट लगाती है क्योंकि इसने अपना होमवर्क नहीं किया होता है। पनिशमेंट के लिए ये इसके फेस पर मारकर चलाना शुरू कर देती है और ऐसे टाइम बीतने लगता है। देखते देखते मू अब बड़ा हो गया होता है और अब वैंग इसे ड्रॉइंग सिखाने का काम करती है और मू उसे पसंद करता है, उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये बट बता नहीं पाता उसको कभी, और कभी कभी वैंग के बगल में जाकर ये सो जाया भी करता है। अब एक दिन स्कूल में टीएन को आर्मी ज्वाइन करने का लेटर आ जाता है। अब इसको आर्मी ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। जाने से पहले ये वैंग को लेकर जाता है और इसको अपने दिल की बात बता देता है जो कि ये बचपन से अपने मन में छुपा कर बैठा हुआ था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक्सेप्ट भी कर लेती है ये और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद ही टीएन मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए यहाँ से चला जाता है और वैंग भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लेती है, पढ़ाई इसकी चालू हो गई है और दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा होता है। एक दिन बस में जाते हुए मू वैंग के लिए कुछ लाया होता है पर दे नहीं पा रहा होता है और बस से उतरते हुए वैंग इसे कहती है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी छुट्टी के टाइम पर, फिर हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। और आज अचानक टीएन वापस आ जाता है मिलिट्री ट्रेनिंग से घूमने के लिए और वैंग की क्लास जिस मॉडल की पेंटिंग बना रही होती है उसकी प्लेट जो है वो गिर जाती है तो उसकी जो गलत चीज़ होती है एक्चुअली में सही चीज़ें होती है वो दिख जाती हैं, तो लड़कियां डर के चिल्लाने लग जाती है कि छोड़ो। अब टीएन को यहाँ पर एक दिन की छुट्टी मिली होती है खाली, तो वो पूरा दिन अपनी गर्लफ्रेंड वैंग के साथ बिताना चाहता है। दोस्त की कार को ले लेता है और वैंग को डेट पर लेकर जाता है जो कि हर लड़का करना चाहता है। और तभी मू वैंग को कॉल करके उसका प्रॉमिस याद दिलाता है, कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि हम मूवी देखने चलेंगे, ये बता देती है कि मैं किसी के साथ हूँ। अब मू को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और घर जाने लगता है ये। रास्ते में इसको दो लड़कियाँ रोक कर इसको गिफ्ट देती हैं और अपने प्यार का इजहार कर रही होती हैं पर ये रिजेक्ट कर देता है क्योंकि इसका जो दिल होता है वो अपने से 10 साल बड़ी दीदी पर आ गया होता है ऐसा कुछ। अब टीएन भी बाकी लोंडो जैसा ही होता है। गर्लफ्रेंड को सुनसान जगह पर लेकर जाता है खेत में, जो कि इसके दोस्तों ने बताई थी कि वहां लेकर जाइए हो जाएगा जो भी होना होता है। अब किस करने की सोच ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती और जो खेत इतनी जैसे सुनसान पड़ा हुआ था वहां से बहुत सारे नंगे पुंगे लोग निकल कर जो कि कपल्स होते भागने लग जाते हैं। पता नहीं क्या कर रहे थे लोग, गंदे लोग शायद अब स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, छोड़ो हमें क्या। पर अपने हीरो को पुलिस पकड़ लेती है और इसके भाई बम्पर लठ बजाया जाता है ना, तोड़ देते हैं बिल्कुल मार मुर के। ये बात जब टीएन को पिताजी को पता चलती है तो इस पर बहुत चिल्लाते गुस्सा होते हैं और इसको फिर पनिशमेंट भी देते हैं। और अगली सुबह टीएन को वापस एजुकेशन के लिए जाना पड़ जाता है और वैंग बहुत दुखी होती है। भगवान ऐसी डेट
किसी को भी ना दे यार कसम से, खेत में मत जाना भाई। ये वापस घर आती है तो मुंह कहता है कि जो लड़कियां रात को घर नहीं आती ना वो बुरी होती हैं, कैरेक्टरलेस होती हैं। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और वैंग ग्रेजुएट भी हो जाती है और न्यू जॉब मिल गई होती है उसको एक। यहाँ ये कंपनी ओनर के बेटे मिस्टर जाओ से मिलती है। मिस्टर जाओ वैंग को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और यहाँ पर दूसरी तरफ टियान के फ्रेंड यू जो था वो मजदूरी कर रहा होता है। ये वैंग से जॉब के लिए कहता है कि प्लीज़ मेरी कहीं अच्छी जॉब लगवा दो, मैं मजदूरी कर करके थक चुका हूँ। बेचारा बहुत परेशान होता है फील्ड की जॉब करके। आज इसकी नज़र एक बेहद ही खूबसूरत महिला पर पड़ जाती है जो कि नज़रें अटक जाती है ना उसके ऊपर। वैंग बताती है कि ये मेरी कंपनी की मैनेजर है जो कि काफ़ी सुंदर है और एटीट्यूड में रहती है भाई। अब यू जाकर कुछ पिकअप लाइंस बोलता है और दूसरी तरफ मिस्टर जाओ यानी कि वैंग के ओनर जो होते हैं वो बार बार इसको कॉल करके बुला रहे होते हैं कंपनी में कि आ जाओ मेरे को साथ दो, मेरा साथ दो, ये करो वो करो, पर वैंग फ़ोन काट रही होती क्योंकि ऐसे बदतमीज के साथ कौन ही जाना चाहेगा। पर वो भी बहुत बड़ा ढीठ होता है, वो प्रोजेक्ट पे आ जाता है जहाँ काम चल रहा होता है, कहता है रुकवा दूंगा इसको मैं, धमकी देता है। वैंग को मजबूरी में इसके साथ जाना पड़ता है। यहाँ यू भी मैनेजर से कॉफ़ी के लिए पूछ ही लेता है और मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुमने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया, और इसे कार तेज चला के डराने की भी कोशिश करता है ये एनिमल, बट इग्नोर कर रही होती है सारी चीज़ें। तभी मुंह आ जाता है और वैंग को यहाँ से लेकर चला जाता है और इनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो बॉस पार्टी देते हैं। यू यहाँ सबको काफ़ी एंटरटेन कर रहा होता है क्योंकि काफ़ी फनी कैरेक्टर होता है ये। तो हमारी जो मैनेजर होती है पीछे हटे भाई, वो भी भाई इतना भड़कीला डांस दिखा देती ना, सबका मूड रोमांटिक हो जाता है उसको देख के। वैंग यहाँ से अकेले में जाकर अपने बॉयफ्रेंड टियान से बातें कर रही होती है और यहाँ पर जाओ आ जाता है और इसको स्विमिंग पूल में गिरा देता धक्का मारकर। बेचारे को पूरा गीला होकर ही घर आना पड़ता है और मिस्टर जाओ फिर भी इसको परेशान कर रहा होता है रास्ते में आकर। मुँह आकर इसे अच्छे से धमकाता है और कहता है कि देख बेटा अगर तू दोबारा इसके पास दिखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। घर आकर वैंग नेकलेस देखती है और जो कि मुंह ने खरीदा था एक्चुअल में इसी के लिए, वैंग को लगता है कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा है। तो ये कहती भी है कि तुमने खरीदा दे नहीं पा रहे क्या उसको, और दोनों फाइट करने लग जाते हैं, गलती से गिर जाते हैं। मुंह इसे किस करने आता है पर वैंग रोक देती है और मुंह इसे नेकलेस पहनाता है और वैंग सब कुछ समझ जाती है कि ये मुझे पसंद करता है। यहाँ यू मैनेजर को डेट पर लेकर आ गया होता है और प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं भाई, और फेस की हालत को देखकर लगता है कि काम भी कंप्लीट हो ही गया पूरा। कॉन्फिडेंस और स्किल्स इंसान के अंदर पहले से होती है, यूज करना सीखो, देख रहे हो कितने सही से यूज किया है इसने बिल्कुल। अगले दिन टियान वापस आ जाता है और वैंग बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर मैनेजर और यू अब डेटिंग भी करने लग गए होते हैं। भाई साहब फिर से मोटिवेशन की स्पीच देना चाहता हूँ मैं पर दूंगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा वरना। शाम को सब खाना खाते हैं, मैनेजर को बहुत लोंडे अप्रोच कर रहे होते हैं कि मतलब यार कितनी सही हो तुम, आ जाओ हमारे साथ डेट वेट कर लो, बट ये भड़क जाती है तो यूँ हंसने लग जाता है इसके ऊपर, जिससे मैनेजर अपनी सच्चाई दिखा देती है। इसकी बॉडी और जो हेयर है ना वो सब मेकअप से बने हुए, इतनी मेकअप से ये सुंदर दिखती है। तो यूँ ये सब देख कर दुखी होता है और इसको अपनी रियलिटी दिखाता है कि इसके बाल नहीं होते। तो ये तब देख करने जितने भी लोग होते हैं ना वहाँ पर सब हंसने लग जाते हैं। मैनेजर इसको हक कर लेती है, बहुत अच्छा प्यार तो वही है जो कि कमी को देखने के बाद भी वैसा ही रहे जैसे पहले था, तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। और घर जाते हुए टियान वैंग को एंगेजमेंट रिंग देता है और कहता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद तुमसे शादी कर लूंगा। वैंग आज बहुत खुश है पर मुंह बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि ये तो उससे प्यार करता है ना। और शाम को वैंग एक ऑफिस का फंक्शन अटेंड करने जाती है क्योंकि मिस्टर जाओ का प्रमोशन हो गया होता है। ये जानवर आदमी के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, इसने वैंग को गलत ड्रिंक पिलाई होती है, जब वो बेहोश हो जाती है तो उसको रूम में ले जाकर उसके साथ गलत करता है, उसका एक्चुअल में रेप करता है। यहाँ पर ये घर ऐसी हालत में आती है, ये इसकी मॉम कहती है कि कहाँ थी तुम पूरी रात, तुम ऐसे घर से बाहर नहीं रह सकती हो। पर वैंग की हालत बहुत ज्यादा बेकार होती है और सब जानने के बाद और मुंह गुस्से में उस जानवर के ऑफिस में जाता है और उसको शूट कर देता है। जब तक वैंग आती है तो मिस्टर जैंग मर गया होता है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और मुंह यहाँ से भाग जाता है। यहाँ टियान इन सब से अनजान फोन करके वैंग की मोम से पूछ रहा होता है कि वैंग कहाँ है, उसने मेरी कई दिनों से कॉल्स का रिप्लाई नहीं किया ना कुछ, कहाँ है वो। इसकी मोम कहती है कि उसे फीवर है, मिस्टर जंग मरा नहीं होता। हम देखते हैं उसको हॉस्पिटल में लाया गया होता है और पुलिस सब कुछ चेक करने के बाद पता कर लेती है कि क्राइम पर वैंग थी, तो इसे वो अरेस्ट कर लिया जाता है और पूछताछ हो रही होती है। और ऐसे देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं और फिर हम मुंह को देखते हैं जो कि 2 महीने से यहाँ वहाँ छुपता फिर रहा होता है। ये टीवी में देखता है कि वैंग मुसीबत में है और वो प्रेग्नेंट हो गई होती है। इसकी फैमिली को पता है कि अगर मुंह पकड़ा गया तो उसे 7 साल की सजा हो जाएगी। तो वैंग मिस्टर जाओ के फादर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि देखो
तुम्हारे बेटे का बेटा यानी ग्रैंड सन मेरे पेट के अंदर है, मैं इसको अबॉर्ट कर लूंगी अगर तुमने मुंह के ऊपर केस किया तो। तो मिस्टर जाओ से ये शादी करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है उनके बेबी के। तो टियान वापस लौट आता है और वैंग के पेरेंट्स इसे सब कुछ सच सच बता देते हैं कि क्या हुआ है उसके साथ। टियान बहुत दुखी होता है। यहाँ मिस्टर जाओ को होश आ जाता है और इसे घर ले जा रहे होते हैं सब। वैंग भी साथ में होती है और यहाँ पर मुंह आ जाता है और गन दिखाकर वैंग को अपने साथ ले जाता है अबॉर्शन के लिए। कहता है कि देखो अगर बच्चा पैदा होगा और उसको जब सच्चाई पता चलेगी कि वो कैसे पैदा हुआ था तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, दुख होगा। तो मुंह जबरदस्ती इसका ऑपरेशन करवा देता है यानी कि अबॉर्शन। एंड यहाँ पर टियान मिस्टर जाओ को मारने के लिए आया होता है। कहता है कि अगर मैं एक सोल्जर नहीं होता तो आज तुझे मैं मार देता। यहाँ पर वैंग को होश आ गया होता है, वो पूछ रही होती है कि आज डेट क्या है क्योंकि कुछ दिनों में टियान ग्रेजुएट होने वाला होता है जैसा उसने प्रॉमिस किया था कि वो ग्रेजुएशन के बाद इससे शादी करेगा। अगर टियान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, उसे कैसा लग रहा है ये मैं बता भी नहीं सकता हूँ। वैंग मू को उसका आधा नेकलेस दे देती है जो कि इसने इसको पहनाया था एक टाइम पर, और सोते टाइम मू इसको किस करता है और एक लेटर लिखता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। लेटर में उसने लिखा था कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा और तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा मैं। और कुछ दिन बाद केस आता है कोर्ट में और मू को 7 साल की सजा हो जाती है और मिस्टर जाओ को 10 साल की सजा होती है रेप के लिए। और एंड में टियान वैंग अपने रिश्ते के लिए बातें कर रहे हैं। टियान इसके साथ रहना चाहता पर वैंग रिश्ता तोड़ना चाहती है। टियान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। और यहाँ से दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वैंग मुंह से मिलने के लिए जाती है और मुंह इसे आने से मना करता है। वैंग रोती हुई कहती है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट करूंगी। और यहाँ टियान को पता चलता है कि वैंग ने घर भी छोड़ दिया है, तो ये भागता हुआ स्टेशन पर जाता है पर वैंग ट्रेन में बैठकर जा चुकी होती है और ये ट्रेन को रोक नहीं पाता। वो जस्ट स्टेशन पर खड़ा ट्रेन को जाते हुए देख रहा होता है। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। क्या लगता है आपको, इसकी एंडिंग इससे भी अच्छी बनाई जा सकती थी? अगर आपको लगता है कुछ तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।